बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, तला स्वीट किचन में आज हम लोग बनाएंगे आलू मटर का पुलाव। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एक पतीले में तेल डालेंगे, इसमें खड़े गरम मसाले डालेंगे, इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें एक कप प्याज डाल देंगे, प्याज जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो इसमें दो चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। प्याज जब पूरा ब्राउन हो जाए तो इसमें एक कप टमाटर डालेंगे। इसमें दो चम्मच नमक, एक चम्मच सूखी मिर्च का पाउडर, एक चम्मच चिली फ्लेक्स, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच जीरा पाउडर। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 200 ग्राम कटे हुए आलू डालेंगे। एक कप मटर डालेंगे, मटर डालकर इसे 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। चार से पाँच मिनट बाद इसमें 3.5 ग्लास पानी शामिल करेंगे। जब पानी उबल जाए तो इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। और इसको 8 से 10 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। अब पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इसको दम लगा देंगे। 12 से 15 मिनट तक दम के लिए रख देंगे। क्या खुशबू आ रही है, माशाल्लाह। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। लीजिए, हमारे मज़ेदार आलू मटर का पुलाव तैयार हो चुका है। अगर आपको आलू मटर के पुलाव की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।